फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएस मिशन स्टडी पर। मैं विद्यास शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों इंग्लिश का टॉपिक लेकर आया हूँ जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों टेंस का, जो इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस उसको बता दिया है। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ने से पहले आप इसको देख लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। देखिए दोस्तों एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इसको हिंदी में कहते हैं करती वाच और कर्म वाच। यानी एक्टिव वाइज में टेंस कुल 12 होते हैं और पैसिव वाइज में कुल टेंस 8 होते हैं। क्योंकि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वाइज नहीं बनता है, केवल 8 ही बनते हैं। जो 8 बनते हैं इसको हम दिखा देते हैं। यदि ये टेंस टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो इसका सारणी बना चुके हैं, तो यहाँ देखिए इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में यदि रहेगा तो यहाँ प्रेजेंट टेंस का यदि इंडेफिनिट टेंस आएगा तो यहाँ पर इज आर एम करेंगे। इससे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसको बताए थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, कर्ता को मुख्य माना जाता है, प्रधानता कर्ता को दिया जाता है। जैसे राम घर जाता है तो इसमें राम को मुख्य माना जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में कर्म को मुख्य माना जाता है, उसको प्रधानता की संज्ञा दी जाती है। जैसे राम घर जाता है तो घर जाता है तो घर ही क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ तो बता दिए हैं इंडेफिनिट टेंस, जो इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे इसमें प्रेजेंट टेंस रहेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे परंतु उसमें बी का भी इस्तेमाल करेंगे यानी जोड़ देंगे। उसके बाद परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे उसके बाद बी जोड़ देंगे, उसमें हैज में भी बी हैव में भी यानी हैज भी हैव भी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बने, इसका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अब देखिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे और उस कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज भी वेयर भी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट है वाज भी वेयर भी। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट में हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। उसका फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में यदि इंडेफिनिट है तो विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस तो करेंगे ही नहीं, पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है तो विल शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका फ्यूचर का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, इसलिए इसका क्रॉस का चिन्ह है। इसलिए एक्टिव वॉइस 12 होते हैं और पैसिव वॉइस 8 होते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता को मुख्य माना जाता है और पैसिव वॉइस में कर्म को मुख्य माना जाता है। अब देखिए दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनता है। इसे यह देखिए आई है, आई का एक्टिव वॉइस आई है और पैसिव वॉइस मी हो जाएगा। ही है, ही का एक्टिव वॉइस ही है तो पैसिव वॉइस मी बन जाएगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल बता देंगे दोस्तों तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। सी है तो सी का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। इट है, इट का पैसिव वॉइस इट बन जाएगा। यू है तो यू ही होगा। उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी है, डे है तो उसका देम बनेगा, वी है तो अस बनेगा। यानी दोस्तों इस तरह हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यह जो बता दिए हैं इसको आप लोग एक पेज पर नोट कर लीजिए और उसको समझ लीजिए ताकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों, दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल दे देते हैं। यह अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में, तभी इस आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले राम इट्स दी फूड, यह क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका रूल यह होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे और हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं यानी डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखिए राम इट्स दी फूड, तो फूड पहले आ जाएगा और राम बाद में चला जाएगा और क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग हो जाएगा। तो द फूड
उसके बाद हम बताए थे इज एर एम का प्रयोग होगा, तो द फूड इज इजन इजन, उसके बाद लियन के अनुसार बाई का प्रयोग होगा। यहां देखिए द फूड इज इजन बाई राम, यानी यहां देखिए राम इज द फूड, यानी राम के द्वारा, यानी राम भोजन करता है यानी खाता है, खाना खाता है, तो उसका हो गया द फूड इज इटन बाय राम, यानी राम के द्वारा भोजन किया गया। अब यहां देखिए या तो क्या हो गया अफर्मेटिव हो गया या निगेटिव है, निगेटिव वाइज है या पैसिव वाइज है, या द काउ डज नॉट ईट ग्रास, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्रिया की तीसरी अवस्था, और यहां को बाय का प्रयोग करेंगे तो ग्रास। उसके बाद इज नॉट ईटन बाय द काउ, यह क्या हो जाएगा पैसिव वर्ब बन जाएगा। अब देखिए ये भी एक्टिव वर्ब है पैसिव वर्ब है, इंडिकेटिव सेंटेंस है, डू द बॉय राइट द बुक, तो यहां हो जाएगा द बुक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों डू है तो यहाँ पर पर्जन इंडिकेटिव में इज आर के प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, इज द बॉय रिटेन रिटेन बाय द, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बुक होगा रिटेन बाय द बॉय, यानी इज बुक रिटेन बाय द बॉय। पर्जन कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल, नेहा इज प्लेइंग फुटबॉल जो अफर्मेटिव है, तो हम बताए ही है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और उसमें क्रिया की तीसरी अवस्था यानी भीतरी का प्रयोग करेंगे, तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बदल देंगे और जो सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बदल देंगे, तो फुटबॉल। और यहाँ देखिए कंटिन्यूअस में इज आर एंड बीन का प्रयोग करते हैं, तीनों में बीन जुड़ेगा, तो यहाँ देखिए फुटबॉल इज बीन प्लेड बाय नेहा। अब निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू गोरखपुर, यानी वे गोरखपुर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर द गोरखपुर, गोरखपुर एक शहर है टाउन है, तो द गोरखपुर इज नॉट बीन गॉन बाय दे, तो क्या हो जाएगा दे, जो हम इससे पहले लिखवा दिए सैटरडे में। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हु इज कमिंग टू हाउस, यानी घर पर कौन आ रहा है, तो हु का होगा हुम, बाय हुम इज हाउस बीन कम, यानी इसका यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तब देखिए दोस्तों वर्जन परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, राधा हैज रिटेन द लेटर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो द लेटर हैज बीन, इसमें हैज बीन रहेगा रिटेन बाय राधा। अब निगेटिव में देख लीजिए, रमेश हैज नॉट वॉश्ड द क्लोथ, तो द क्लोथ हैज नॉट बीन वॉश्ड बाय रमेश। इंडिकेटिव सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट हैज यू गान टू मुंबई, तो व्हाट हैज द मुंबई बीन गान बाय यू। यानी देखिए दोस्तों पर्जन परफेक्ट टेंस का भी एग्जांपल हो गया, और जितना बताया जा रहा है आप लोग तो नोटबुक पर उसको लिखिए, और घर पर कम से कम इसी तरह 20-30 सेंटेंस को रिपीट कीजिए और उसको समझिए, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा तरीके से समझ में आएगा।